नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं मैनीटेड टाइगर की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो केनेथ एंडरसन की लिखी हुई स्टोरी है और साउथ इंडिया के आज के आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। चाहे आप इस स्टोरी को 2 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें या पूरी देखें, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, एंडरसन कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में अगर आप गुंटाकुल से, जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से अगर आप विशाखापट्टनम की ओर जाएं बाय ट्रेन, तो उसके दोनों तरफ घने जंगल पड़ते हैं और रास्ते में जो और स्टेशंस पड़ते हैं, जैसे नांदयाल है और उसके अलावा और भी कई स्टेशंस हैं, ये वो जगह है जहाँ साउथ इंडिया का सबसे घना जंगल है। तो जब जंगल इस तरह से घना होता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं वो भी खूब फलते फूलते हैं, क्योंकि उनको वहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है और उसके अलावा वहाँ उन्हें आश्रय भी मिलता है। यानी कि जंगल घना हो तो उन्हें रहने और छिपने की जगह भी मिलती है। और फिर उसके साथ में एक ही आस्पेक्ट भी होता है कि वहाँ पर जो परजीवी जानवर हैं, जैसे कार्निवोरा है, जो और जानवरों पर डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए, उनकी भी संख्या बढ़ती है। क्योंकि आमतौर पे जिन जंगलों में हिरणों की संख्या ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे वहाँ पर टाइगर्स या लेपर्ड्स की भी संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में भोजन मिलता रहता है। तो दोस्तों, इस जंगल में भी कुछ इसी तरह की बात थी। जंगल खूब घना था और एंडरसन बचपन से ही जंगलों में घूमने के आदी थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि वो शहर के क्राउड से दूर रहें और जंगलों में एकांत में जंगल के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करें या उनकी एक्टिविटीज़ को देखें। लिहाजा साउथ इंडिया के जो जंगल हैं, चाहे वो तमिलनाडु में थे, आंध्र प्रदेश में थे या कर्नाटक में थे, उन सभी जंगलों में एंडरसन को जब भी मौका मिलता था वहाँ वो जाते थे और अपना समय बिताते थे। उसी प्रकार यह जंगल था जहाँ पर एंडरसन काफ़ी बार गए थे और कई बार तो मैनीटा टाइगर्स को मारने के लिए गए थे, लेकिन चूँकि जंगल घना था तो वो कभी बिना शिकार के मूड में या बिना शिकार करने के काम से वहाँ पहुँचते थे, सिर्फ अपना समय बिताते थे। तो इन जंगलों के बारे में भी एंडरसन को काफ़ी जानकारी थी, यहाँ कई बार उनका आना हुआ था। हालांकि यहाँ ज़्यादातर बार उनका मैनीटा टाइगर्स को मारने के लिए आना हुआ था, तो एंडरसन को ये जंगल बड़े प्रिय थे। इन जंगलों में जो हिरण थे वो बड़ी प्रचुर मात्रा में थे और ख़ास तौर से नील गाय, जिनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही थी। उनकी संख्या बढ़ने का कारण ये था कि उनके मारने पर बिल्कुल प्रतिबंध था। यानी कि वहाँ पर जितने भी बाहर के शिकारी जाते थे पहले से, अब वो नहीं जाते थे, क्योंकि सरकार की तरफ से नील गाय को मारने पर प्रतिबंध था। उसके अलावा और जो हिरण थे वो बहुत कम मात्रा में वहाँ रह गए थे, लिहाजा बाहर के शिकारी वहाँ जाते नहीं थे, जिसकी वजह से नील गायों की तादाद वहाँ काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन चूंकि नील गाय को मारने पर शिकारियों के लिए प्रतिबंध था, लेकिन जो कार्निवोरा एनिमल थे, टाइगर्स या लेपर्ड, वो नील गायों का शिकार करते थे और उनको बड़ी अच्छी मात्रा में उनसे भोजन मिलता था, तो
उसी इलाके में एक और जगह है जिसका नाम है मरकापुर। मरकापुर के पास में ही एक गांव है, पास में का मतलब है करीब 20-25 मील की दूरी पर, जिसका नाम है पेड्डा चेरू। ये साउथ इंडियन नेम है, इन कहानियों में साउथ इंडियन नाम बहुत आते हैं, तो हो सकता है मैं प्रोनंसिएशन में कुछ गलती करूं, तो अगर आप लोगों को सही नाम पता हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बहरहाल इस गांव का नाम था पेड्डा चेरू। इस गांव के आसपास काफ़ी जंगल थे, लेकिन इसके साउथ में एक बड़ी अच्छी लेक थी, और वो लेक चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। अब चूंकि जंगल के बीच में एक नेचुरल लेक थी, तो जाहिर था जंगली जानवर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे। उसके अलावा उस लेक के किनारे से रास्ता बना हुआ था बैलगाड़ी का, तो जो भी लोग बैलगाड़ी लेके जाते थे, दूर दराज से सामान लेके आते थे, या गांव से कोई जंगल का लकड़ी वगैरह सामान लेके जाते थे, तो अक्सर वहाँ पे पानी पीते थे, क्योंकि उस इलाके का मौसम वैसे भी हॉट है। पेड्डा चेरू पहुँचने के लिए बसों के या कार के जाने का मोटरेबल सड़क नहीं थी, बैलगाड़ी का रास्ता था। तो उस रास्ते में, उबड़ खबड़ रास्ते में, उस तरह के व्हीकल चल सकते थे जो ऑफ रोड व्हीकल से हैं, जैसे कि आजकल 4x4 व्हीकल चलाते हैं कुछ लोग जंगलों में जाते हैं। तो उस ज़माने में भी कुछ लोग थे ऐसे जो कभी कभार उस इलाके में चले जाते थे। तो मरकापुर के पास के इलाके में भी जंगल काफ़ी था, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो कि कार्निवोरा का शिकार बनते थे। अब इन जंगलों में आमतौर पर होता क्या है, जब तक प्रचुर मात्रा में शिकार होता है तो शिकारी भी फलते फूलते हैं, शिकारी से मतलब कार्निवोरा एनिमल, तो उनकी भी तादाद बढ़ती है, और जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती है तो उनके द्वारा मारे जाने वाले जानवरों की तादाद कम होती जाती है। अब जब उनका भोजन कम होता है तो फिर वो उससे आसान तरीके से मारने वाले जानवरों को ढूंढते हैं, तो फिर वो भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकलते हैं, या दूर के जंगल में जाते हैं, या पास में कोई गांव है तो वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में आमतौर पे क्या होता है कि गांव के लोग अपने मवेशियों को झुंड बना के जंगल में ले जाते हैं, तो जिन कार्निवोरा को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा होता है वो गांव के मवेशियों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अब एक दो मवेशी मर जाए तो गांव के लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इस तरह की घटनाओं को, लेकिन कार्निवोरा का जब भोजन कम हो जाता है, रेगुलर सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर वो एक दो मारने से नहीं रुकता है। जाहिर है उसका वो भोजन है, वो प्रकृति के नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, वो अपने ही भोजन की तलाश में है, तो अपने भोजन के लिए वो और जानवरों को मारने लगता है। तो इस तरह गांव वालों का नुकसान होने लगता है। गांव के लोग हैं जिनकी इनकम लिमिटेड है, आज का जैसा जमाना तो नहीं है कि लोगों की बहुत बड़ी खेती हो तो उसे बाहर वो बेचते हों उसका अनाज, या उसमें उगाए जाने वाले जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, या परिवार के कुछ लोग बाहर जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं। गांव में ज़्यादातर जो लोग होते थे उनकी इनकम लिमिटेड होती थी, और उनके पास लिमिटेड जानवर भी होते थे, और वो जानवर उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होते थे। तो किसी जानवर का टाइगर या लेपर्ड के द्वारा मारा जाना ये बड़ी असहनीय चीज़ थी गांव के लोगों के लिए। तो जब फ्रिक्वेंटली कार्निवोरा उनके जानवरों को मारने लगते हैं, तो फिर गांव के लोग
इससे छुटकारा पाने के लिए रास्ते अपनाते हैं। कहीं कोई ट्रैप लगा देते हैं जिसमें टाइगर या लेपर्ड फंस जाता है, फिर जब वो उससे अपने आप को छुड़ाता है तो अपने आप को घायल कर लेता है। इसी तरह कोई लोकल शिकारी या कोई शिकारी इन कार्निवोरा पर फायर करके उसे घायल कर देता है, मार नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो जानवर है वो अपना नेचुरल फूड, नेचुरल शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन भूख उसकी बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वो उस शिकार की ओर जाता है जिसे वो आसानी से मार सके। तो कार्निवोरा का सबसे आसान से मारा जाने वाला शिकार होता है इंसान। तो यानी कि यह एक प्रोसेस होती है मैनिटर बनने की, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो। तो दोस्तों ये बात मैंने पहले के वीडियोस में भी कई बार बताई है, लेकिन यहाँ पर भी एक मैनिटर टाइगर एक्टिव हो रहा था और उसके एक्टिव होने के या उसके मैनिटर बनने के भी इसी तरह के कुछ कारण थे, लेकिन उस केस में इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जैसा कि और केसेस में होता है कि इंसान किसी टाइगर को घायल कर देता है, कोई शिकारी शिकार करना चाह रहा है इसलिए घायल कर देता है, या गांव वालों के मवेशियों का नुकसान हो रहा है इस वजह से गांव के लोग उसे मारना चाह रहे हैं तब वो घायल हो जा रहा है, कभी वो ट्रैप में फंस जा रहा है या कभी उसको गोली लग जा रही है। यानी कि ज़्यादातर केस में जब मैनिटर बनता है तो उसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे इनकैपेबल बनाने के लिए, उसको अपने नेचुरल प्रे को मारने में असमर्थ बनाने में, इसलिए कोई कार्निवोरा मैनिटर बनता है। लेकिन इस केस में जिस मैनिटर की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि मैनिटर घायल था, यानी कि अपने शिकार को मार सकने में पूरी तरह समर्थ नहीं था, घायल था, लेकिन उसकी वजह इंसान नहीं था। गांव के लोगों से एंडरसन को पता चला कि उस इलाके में बहुत टाइगर्स थे और गांव के लोग आए दिन टाइगर्स की गुर्राहट सुनते रहते थे। तो गांव के लोगों ने एंडरसन को बताया कि किसी ईयर में, क्रिसमस से पहले की बात थी, जब उन्होंने गांव के लोगों ने टाइग्रेस की कॉल सुनी थी, वो एक मेटिंग कॉल थी जो पूरे जंगल में एक जगह से दूसरी जगह उनको सुनाई दे रही थी। उसके बाद उन्होंने उस कॉल का जवाब सुना एक टाइगर से और फिर दूसरी जगह से दूसरे टाइगर्स ने उस कॉल का जवाब दिया, यानी कि टाइग्रेस के लिए मल्टीपल टाइगर्स आ गए थे वहाँ पे। अब जैसा कि होता है आमतौर पर, दो टाइगर्स में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई शाम को शुरू हुई करीब 10 बजे के आसपास और गांव वालों का कहना था कि आधी रात तक चलती रही। और दूसरे दिन जब सुबह गांव के लोग जगे, उन्होंने सुनने की कोशिश की तो सब कुछ शांत था। फिर कुछ क्यूरियस लोग गए तो जो गांव से निकलने वाला रास्ता था वो गांव के पास की झील से के किनारे से होता हुआ जाता था। तो गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लेक के एक किनारे पर खून का एक पूल बना हुआ है और वहां पर टाइगर के पैरों के निशान हैं। तो जाहिर है कि एक टाइगर कोई वहां पे पानी पीने के लिए आया। और उसके बाद वो जंगल में थोड़ा और अंदर गए तो पास में जो सूखा नाला था, बरसाती नाला, उसमें उन्होंने दूसरे टाइगर के पैरों के निशान दिखाई दिए जो दूसरी तरफ चला गया था। लेकिन पहले टाइगर और इसके पैरों के निशान में फर्क ये था, यहाँ पर तीन पैरों के निशान थे और एक पैर जो था वो एक तरह से घिसटता हुआ जा रहा था।
तो जो एंडरसन को बाद में पता चला जब उन्होंने इस टाइगर को मार दिया, तो इस टाइगर की एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था और एक अगला हाथ भी उसका यूजलेस था, जिसको वो जमीन में रख नहीं पाता था, उस पर अपना लोड नहीं दे पाता था। इसलिए जब ये टाइगर चलता था तो तीन पैरों से चलता था और एक पैर इसका घिसटता हुआ जाता था, तो इसके निशान और उसे अलग होते थे। तो जब ये घटना हुई टाइगर की लड़ाई की, तो उसके कई दिन तक कोई खबर नहीं थी। तो जाहिर था गांव के लोगों ने ज्यादा ध्यान इस बात पर उसके बाद दिया नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो एक दिन उनको लगा कि गांव के किसी एक कुत्ते को टाइगर ने मार दिया। कुत्ता गायब हो गया था। जब लोग ढूंढने के लिए गए दूसरे दिन, तो देखा एक जगह टाइगर के पैरों के निशान हैं और साथ में ये अजीब से निशान है जिसमें तीन पैरों के निशान हैं और एक घिसटता हुआ पैर है। तो उसके बाद फिर गांव के मवेशी मारे जाने लगे। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो कुछ आशंकित हो गए इस बात से, क्योंकि ये आम तौर पे होता है कि जब इस तरह की हरकतें कोई टाइगर करने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपने नेचुरल शिकार को मारने में बिल्कुल असमर्थ हो चुका है, वरना गांव के कुत्तों को या छोटी बकरियों को इस ओर टाइगर ध्यान नहीं देता, ये उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो अगर कोई टाइगर इनको मार रहा है यदा कदा, तो ये इस बात का सिग्नल है कि वो बुरी तरह से भूखा है और बुरी तरह से घायल भी है। वो जंगल के किसी भी बड़े जानवर को या एवरेज जानवर को भी नहीं मार पा रहा, जिसकी वजह से उसे इन छोटे मोटे जानवरों को मारना पड़ रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें ये बड़ी खतरनाक चीज लगी, क्योंकि इस तरह की हरकत अगर कोई टाइगर करने लगे तो आने वाले समय में वो मैनिटर भी बन सकता है। अभी जो बुजुर्ग लोग थे काफी उम्रदराज थे गांव में, उनके जिंदगी के अपने अनुभव थे, इसलिए वो गांव के लोगों से यदा कदा ये बातें कर रहे थे, भाई सावधान रहना, हमारे पास में जंगल है, जंगल में टाइगर है। तो जो कम अनुभवी लोग थे, गांव के बच्चे थे, वो उनकी बात को इग्नोर कर देते थे। वो यही कहते थे पास में जंगल है तो क्या हुआ, और उसमें टाइगर है तो क्या हुआ, तो हमने भी देखा है टाइगर गरजते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था कि कौन सा टाइगर किस कंडीशन में मैनिटर बन सकता है। तो ये बात कई दिन तक होते रही। एक दिन वहां दुर्घटना हुई गांव में। एक बैल जो गांव के एक व्यक्ति की बैलगाड़ी में जुटा हुआ था वो बिथक कर गांव में वापस आ गए। तो उसकी जिस घर में वो आया वहां महिला थी, उसके तीन बच्चे थे। उसने गांव के लोगों को बताया कि उसके घर का जो उसका हस्बैंड था वो बैलगाड़ी लेके गया था सुबह, और उसमें दो बैल जुते हुए थे, और यह बैल अकेले कैसे घर आ गया और बिल्कुल भितका हुआ है, भौचक्का सा है बैल। तो महिला आशंकित हो गई, उसने गांव के और लोगों को बताया। तो गांव के लोगों ने एक पार्टी बनाई और गांव के रास्ते में जाने लगे जिस रास्ते से बैल आया था। हो हल्ला करते हुए वो लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक दो लोग ऐसे भी थे जिनके पास वो लोकल बंदूक थी, जिसे चिड़ी मार बंदूक कहा जाता है, और उसके अलावा लोग अपने अपने जो हथियार थे, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास दराती थी, वो लेके गए। जब आगे पहुंचे तो उन्होंने एक मोड़ पे देखा कि जो व्यक्ति की जो बैलगाड़ी है वो नीचे गिरी हुई,
और बैलगाड़ी के नीचे दूसरा बैल दबा हुआ है। लोगों ने और मुआयना किया तो देखा उन्होंने कि बैलगाड़ी एकदम बैल के ऊपर ठहरी हुई है, जो कि गाड़ी पूरी लोडेड है और उससे बैल पूरा दब गया है। उससे लोग बहुत आशंकित हुए। फिर उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने ढंग से किया, क्योंकि वहाँ पे जो बैलगाड़ी का ओनर था उसका अता पता ही नहीं था। एक बैल घर पहुंच गया था, बैलगाड़ी मिल गई थी, दूसरा बैल मरा पड़ा था। फिर उन्होंने जमीन का भी मुआयना किया तो जो घटना उनकी समझ में आई वो कुछ इस प्रकार थी कि ये व्यक्ति बैलगाड़ी में लकड़ी लेके आ रहा था वापस। गाड़ी पूरी लदी हुई थी, भारी थी, तो जो लेक था उस लेक के पास इसने गाड़ी रोकी और अपने बैलों को पानी पिलाया। जूती हुई कंडीशन में ही पानी पिलाने के बाद शायद उसने बैलगाड़ी किनारे खड़ी करी और अपना उतर के वो पानी पीने गया। शायद यही टाइम था जब टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। टाइगर को देख के बैल आशंकित हो गए, वो भी थक गए, तो वो लोडेड गाड़ी को लेके आगे चले गए। आगे जाके शायद मोड़ था, जिस मोड़ पे तेजी से गाड़ी ढंग से मुड़ नहीं पाई और डिसबैलेंस हो गई बैलगाड़ी और वो पहाड़ी में खड्ड में नीचे गिर गई। खड्ड में गिरते वक्त उसका एक पार्ट एक बैल की बॉडी में घुस गया और दूसरा बैल जो था वो फॉर्चुनेट था, वो उसके गले से रस्सी बाहर निकल गई, वो फ्री हो गया। लेकिन पहला वाला बैल फ्री नहीं हो पाया, उसकी रस्सी भी नहीं निकल पाई, उसे चोट भी लगी और बैलगाड़ी के साथ वो लुढ़कते हुए नीचे चला गया। और नीचे जब पहुंचा तो बैलगाड़ी उसके ऊपर आ गई, यानी कि अब उसके बचने के कोई चांसेस थे नहीं। अब चूंकि शाम का समय हो रहा था तो कुछ लोगों का सुझाव था कि वो जंगल में उस व्यक्ति को ढूंढें। तो जो बंदूक वाले थे उनमें से एक ने कहा कि मेरी बंदूक काम नहीं कर रही है, वो तो चिड़ी मारने वाली है तो टाइगर के केस में काम नहीं करेगी। और दूसरे ने ईमानदारी के साथ बोल दिया कि भाई मुझे डर लग रहा है, शाम का समय है, मैं इससे आगे नहीं आ सकता। उसके बाद लोग वापस आ गए और दूसरे दिन फिर जब दिन हो गया तब उन्होंने खोजबीन शुरू की तो जंगल में एक जगह उन्हें उस व्यक्ति के कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले जो मैनिटर ने छोड़ रखे थे। यह पहली घटना थी। इस घटना के बाद बुजुर्ग लोगों ने गांव में कहा कि उनकी जो आशंका थी वो अब सच साबित हो रही है और गांव के लिए आगे और बुरे दिन आ सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास कोई उपाय भी नहीं था इसको करने के लिए। हालांकि उन्होंने जो नज़दीकी फॉरेस्ट विभाग था और पुलिस स्टेशन था वहाँ उसकी खबर कर दी थी, लेकिन मैनिटर टाइगर को अभी लोकेट नहीं किया गया था, कोई शिकारी भी वहाँ आया नहीं था। यह घटना होने के बाद कई दिन तक इलाके में शांति रही और लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि अब टाइगर इस इलाके से चला गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर दूसरी घटना हुई। आज तक लोगों ने इस टाइगर को एज्यूम किया था कि यह टाइगर है जिसके पैरों के निशान तीन दिखते हैं, तो लोगों ने यह एज्यूम किया था कि इसका एक पैर लंगड़ा है, ये इस प्रकार चलता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। लेकिन इस दफा गांव की महिलाएं जो पानी भरने के लिए गई हुई थी उनमें से एक महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया और महिलाओं ने जब मुड़ के देखा तो उन्होंने पहली दफा इस टाइगर को देखा कि किस कंडीशन में है। इसका विभत्स रूप दिखाई दिया, इसकी एक आंख भी नहीं थी, कान भी नहीं था और एक पैर उसका बुरी तरह से लंगड़ा रहा था।
और वो पैर भी था उसका दाहिना, दाहिना अगला पैर। तो जाहिर था टाइगर भी बड़ी तकलीफ में था। इस कंडीशन में वो किसी जंगली जानवर हिरन वगैरह का तो मार नहीं सकता था, तो जाहिर था मैनिटर बनने का उसका यह कारण था। तो उसने इस महिला को मारा, तो जो साथ की महिलाएं थी वो भाग के गांव में आई, उन्होंने गांव में इस बात की खबर दी। लेकिन गांव के लोगों के पास इतना साहस नहीं था कि वो जंगल में टाइगर को फॉलो करें या कोई उसे मारने की कोशिश करे। तो उस इलाके में एक तरह से पूरी दहशत फैल गई। उसके बाद कई घटनाएं हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, घटनाएं होती रही। लेकिन कोई भी शिकारी, कुछ लोकल शिकारियों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। तो उस इलाके में एक व्यक्ति रहते थे जो एंडरसन के जानने वाले थे, जिसका नाम बायना था। वो मरकापुर के रहने वाले थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उसी इलाके में एक जगह है मरकापुर, वहाँ रेलवे स्टेशन भी है। तो उन्होंने एंडरसन को रिक्वेस्ट की कि वो आके इस टाइगर को मारे, और साथ में उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि एंडरसन को अपनी गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी लैंड रोवर लेके आएंगे, रेलवे स्टेशन से एंडरसन को पिक करेंगे, और पेड्डाचेरू जो एक विलेज है जिसके आसपास इस टाइगर ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, वहाँ एंडरसन को लेके जाएंगे। हालांकि वो बैलगाड़ी वाली रोड है, लेकिन उनके पास लैंड रोवर है जो ऑफ रोड व्हीकल है, उसमें लेके वो एंडरसन को उस गांव तक लेके जाएंगे। और साथ में एंडरसन को और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी अपने जंगल प्रवास के दौरान, तो वो सारी चीज़ें वो एंडरसन को प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑफर सुन के एंडरसन खुश हुए। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति या कोई शिकारी जिसके पास अगर समय हो तो इस तरह के ऑफर को कैसे ठुकरा सकता है। तो एंडरसन ने तुरंत उनके टेलीग्राम का जवाब दिया, उसे कहा कि वो कल ही यहाँ से ट्रेन में चल पड़ेंगे, और देगुआ मेटा की बजाय वो मरकापुर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ से बायना उन्हें पिक करेंगे। तो जैसा कि एग्रीड था दोनों के बीच में, मरकापुर स्टेशन पे एंडरसन को बायना मिल गए, वहाँ से एंडरसन उसकी लैंड रोवर में बैठे और पेड्डुचेरू की ओर चल पड़े। और जैसा कि मैंने बताया कि रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, करीब करीब 18-20 मील का उबड़ खाबड़ रास्ता इस प्रकार चलते हुए झटके खाते हुए वो गांव तक पहुंचे। गांव में पहुंचते ही गांव के सारे लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, और सब अपने अपने ढंग से मैनिटर के बारे में बताने लगे। और जो एंडरसन के मित्र थे बायना, वो तेलुगु समझते थे, तो उसी भाषा में उन सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे और उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। तो गांव के लोग लगातार उनकी तरफ आते जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनके लिए अब जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रहने की, कि वो रहेंगे कहाँ। तो जब इस तरह की बातें चल रही थी, तो उसी समय एक स्कूल के टीचर भी उनके पास में खड़े थे, टीचर कहिए या रादर प्रिंसिपल कहिए। तो उन्होंने उनकी ये बात सुनी, तो उन्होंने ऑफर किया कि वो अपने स्कूल का हॉल उनको दे सकते हैं, जहाँ पर वो एक तरह का अपना एक कैंप लगा लें, अपना सारा सामान रख लें, खाने पीने रहने, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान बायना ने अपने लैंड रोवर में रखा था। तो यह ऑफर सुनकर एंडरसन और बायना को ठीक लगा, और वो अपनी गाड़ी लेके फिर स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल में पहुंच के उन्होंने स्कूल के मेन हॉल में अपना सारा सामान अनलोड किया गाड़ी से,
एंडरसन का कहना है कि बायना ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, इतना सामान रखा था कि जो जिनमें से बहुत सारा सामान ऐसा था जिसे मैं कभी इस्तेमाल करता ही नहीं। उसमें उसने चारपाई भी रखी थी, चेयर भी रखी थी, और केरोसिन ऑयल से चलने वाला फ्रिज रखा था, और उसके अलावा चूल्हा रखा था, सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो सामान था खाने का, आटा, चावल, सैंडविचेज वगैरह, ये सारी चीज़ें भी उसने भर रखी थी। यानी कि गाड़ी में बड़ी मुश्किल से हम दो जनों के बैठने की जगह हुई थी, उसके अलावा गाड़ी पूरी लदी हुई थी सामान से। बहरहाल वो सारा सामान उन्होंने वहाँ पर अनलोड किया, तो वहाँ पर गांव के लोगों का आना जाना लगा ही रहा। अब शाम हो रही थी, तो इस तरह से नॉन स्टॉप जब लोगों का आना जाना लग रहा था, तो एंडरसन को लगा कि उन्हें अब इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने गांव की भीड़ में से 4-5 लोगों को सेलेक्ट किया, जिनको देखकर एंडरसन को लग रहा था या जिनकी बातें सुनकर लग रहा था कि इनको मैनीटर के बारे में कुछ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन पता है, तो उन्हें लेके वो बाहर निकले। लगभग अंधेरा हो रहा था, शाम का समय था, अब चांदनी आने को हो रही थी, तो लोग डर भी रहे थे उनके साथ आने में। एंडरसन ने नोटिस किया कि जैसे लोग उनके साथ आ रहे थे, बहुत कॉशियस होके चल रहे थे, दाएं बाएं पूरी सतर्कता के साथ देख रहे थे, और इसी फैशन में चलते चलते एंडरसन उन्हें करीब आधा फर्लोंग आगे ले गए, जहाँ पर वो लेक थी। वो लेक के किनारे आराम से बैठे, और उसके बाद उन्होंने इन लोगों से बारी बारी से मैनीटर के बारे में पूछना शुरू किया कि ये मैनीटर टाइगर का जो जो एक्टिविटी है इस इलाके में कब शुरू हुई, और कुछ बातें जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे मैनीटर बना। तो गांव वालों ने वही बातें उन्हें बताई कि एक रात को जब दोनों टाइगर भिड़े थे, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने देखा दो अलग अलग जगह टाइगर के पैरों के निशान थे, और एक जगह खून का पूल बना हुआ था, तो दूसरी जगह जो टाइगर जा रहा था वो अपने तीन पैरों की मदद से जा रहा था, और एक पैर उसका लंगड़ा रहा था, जिसको ज़मीन में घिसटता हुआ ले जा रहा था, जिसकी वजह से उसके तीन पैरों के साथ एक चीज़ के घिसटने का निशान भी बन रहा था, और शुरू शुरू में उसके भी खून के बूंदें गिरी हुई थी जगह जगह। और शायद इस लड़ाई में यह टाइगर बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई थी, और बहुत संभव है कि कई दिन तक वो भूखा रहा हो, और असमर्थ तो हो गया था अपने नेचुरल फूड को मारने में, तो शायद जंगल में वो छोटे मोटे जानवरों को मार के खा लेता होगा अगर उसकी किस्मत से कहीं मिल गए। जब बहुत ज़्यादा वो भूखा हो गया, तब वो गांव की तरफ आया और गांव के कुत्तों को, गांव के जानवरों को उसने मारना शुरू किया। उसके बाद अब वो मैनीटर बन गया था, और एज ए मैनीटर उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ मार दिया था, और पूरे गांव में उसका आतंक छाया हुआ था। इस तरह एंडरसन गांव के लोगों से बारी बारी से टाइगर का डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे, या टाइगर के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है इंडिविजुअल वो सुन रहे थे। तो शायद बायना कुछ चिंतित हो गया था स्कूल में कि एंडरसन कहाँ इन लोगों को लेके गए, कहाँ चले गए। तो कुछ देर में वो करीब 25-30 लोगों को साथ में लेते हुए, उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो एंडरसन ने उनको भी बिठा दिया, उनसे कहने लगे देखो चांदनी रात है, कितना बढ़िया मौसम है, और चांदनी इस तरह खिल रही थी जैसे कि धूप निकली हो, और लेक के पास में ठंडक भी थी, तो वेदर एंजॉय कर रहे थे।
बातों की एक्सचेंज कर रहे थे तो अचानक उन्हें जंगल से टाइगर की कॉल सुनाई। एक कॉल आई, दूसरी कॉल आई और लगातार टाइगर कॉल पे कॉल दिए जा रहे हैं। एंडरसन ने अनुमान लगाया कि ये करीब करीब 1-1.5 मील की दूरी से यह आवाज़ आ रही है। अब जब ये आवाज़ सुनी तो गांव के लोगों को तो डर लगने लगा, को लगने लगा कि ये टाइगर उनकी तरफ आ रहा है और टाइगर उनके जंगल में एक्टिव है, कितने दिन तक रहेगा पता नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एंडरसन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि आज वो यहाँ पहुँचे और आज ही टाइगर कॉल करने लग गए और कॉल करके बाकायदा अपनी पोजीशन बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एंडरसन की खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं टाइगर को ढूंढने जा रहा हूँ, टाइगर के पास में जा रहा हूँ। इससे पहले कि लोग उनकी बात समझ पाते और उनको रोकते या उनकी बात का जवाब देते, एंडरसन वहाँ से निकल गए, क्योंकि एंडरसन को पता था कि वो कहेंगे वहाँ जा रहे हैं तो कोई उनको जाने नहीं देगा, लोग उन्हें रोक लेंगे, लिहाजा जब तक लोग उन्हें रोके तब तक वो वहाँ से फटाफट निकल गए। एंडरसन उसी ओर जा रहे थे जहाँ से उनको यह आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब हम जैसे लोग जिनको जंगल का अनुभव नहीं है, जंगल में तो हम घूमे हैं, कभी कभार रात में भी घूमे हैं, लेकिन आमतौर पर यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि चांदनी रात में कोई शिकारी जंगल में मैनीटर टाइगर के पीछे चला जाए, यह हमें अटपटी लगती है और कई लोगों को फिक्शियस भी लगने लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिम कॉर्बेट के साथ भी ऐसा हुआ था। जिम कॉर्बेट जब तल्लादेश मैनीटर टाइगर को मारने गए थे तो चांदनी रात में वो उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे और उनका कहना ये था कि मुझे टाइगर्स को, मैनीटर टाइगर्स को मारने का इतना अनुभव है कि मैं अपने अनुभव से जंगल में टाइगर को भले ही न मार सकूं लेकिन अपने आप को बचा लूंगा मैनीटर टाइगर के अटैक्स। तो एंडरसन तो अक्सर ऐसा किया करते थे, वो अक्सर रिस्क ले लेते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि रिस्क जहां पर आप लेते हो तो वही अपॉर्चुनिटी भी होती है। जब वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली उस पर आप सोचते हैं तो अपॉर्चुनिटी कहलाती है, यानी कि आपको सफलता दिलवा सकती है, आप जिस काम के लिए आए हो वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे निगेटिव वे में देखें तो रिस्क हो जाएगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप डर सकते हैं, टाइगर आप पे हमला कर सकता है, ये उसका दूसरा एस्पेक्ट। तो इस तरह के शिकारी जो हैं, जो काफ़ी साहसी भी हैं और साथ में स्किलफुल भी हैं, तो इस तरह के इवेंट्स को या इस तरह के सीनरियों को वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते थे। तो एंडरसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको लगा कि टाइगर जंगल में कॉल कर रहा है और चांदनी रात है, इससे बढ़िया उनके लिए क्या मौका हो सकता है, और वो आज ही यहाँ पहुँचे हैं, उनका समय भी नहीं जाएगा और वो अगर टाइगर को मार सके तो एंडरसन उस ओर चल पड़े। कुछ देर आगे गए तो उन्हें फिर रास्ता मिलने में दिक्कत हुई, लेकिन खोजते खोजते उन्हें एक पगडंडी टाइप की मिल गई जिस पर वो धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ जाने लगे जहाँ टाइगर कॉल कर रहा था। टाइगर कॉल कर रहा था इसलिए उनको एक डायरेक्शन मिल रहा था कि जिस किस तरफ उन्हें जाना है। टाइगर शुरू में कॉल कर रहा था, फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहा था और कम समय अंतराल में कॉल कर रहा था। अब जब वो कॉल कर रहा है तो गैप ज़्यादा है एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में। तो एंडरसन को फिर भी डायरेक्शन का आइडिया था और उस तरफ जाते रहे थे। धीरे धीरे टाइगर उनकी तरफ आ रहा था और वो टाइगर की तरफ जा रहे थे, यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा था। अब जब एंडरसन को ये लगा कि वो टाइगर के काफ़ी पास में है, अब उन्हें
रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, बल्कि कहीं पे रुक के टाइगर का वेट करना चाहिए। तो जब ये सोच ही रहे थे तो उन्हें कुछ दूर से टाइगर के कॉल सुनाई दी। टाइगर काफी पास में पहुंच चुका था, तो एंडरसन चारों तरफ एक सुइटेबल जगह देखने लगे, तो उन्हें पास में एक पेड़ दिखाई दिया। हालांकि बहुत चौड़ा नहीं था, लेकिन उन्हें ये लगा कि उस पेड़ के पीछे शायद वो अपने आप को छुपा लग गए, इसलिए वो चुपचाप से गए और उस पेड़ के किनारे खड़े हो गए। वो पेड़ रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। एंडरसन को ये पता था कि टाइगर इस रास्ते से आएगा तो उसको वो आराम से देख लेंगे, और टाइगर अगर उन्हें देख ले तो उन्हें इतना टाइम मिलेगा कि वो उस पर फायर कर सके। तो एंडरसन वेट कर ही रहे थे, तो जब उन्हें ये लगा कि टाइगर उनके काफ़ी नज़दीक है, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया। वो ये था कि उन्होंने सोचा कि वो एक टाइगर की आवाज़ निकालेंगे, सिर्फ इस टाइगर को इन्फ्यूरिएट करने के लिए या उसको जल्दी से उस तरफ बुलाने के लिए। तो जैसे ही टाइगर ने कॉल दी, उसकी कॉल के साथ ही उन्होंने भी कॉल किया, तो टाइगर ने दूसरी कॉल की, उन्होंने फिर दूसरी कॉल की, तो इससे ये टाइगर गुस्से में आ गया। जाहिर था वो अपने इलाके में कैसे किसी दूसरे टाइगर को सहन करता, इस बात से वो काफी पजर्ड था या परप्लेक्स था और गुस्से में था कि कैसे किसी और टाइगर की हिम्मत हुई मेरे इलाके में आने की। लिहाजा जिस तरफ से आवाज आई थी उसको, वो पूरी स्पीड से पूरे गुस्से के साथ उस तरफ आने लगा। एंडरसन को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, और उसके चलने से और उसकी जो सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, उससे आभास हो रहा था कि टाइगर गुस्से में है। अब उसकी गुस्से वाली आंखें ढूंढ रही थी अपने जैसे ही दूसरे टाइगर को, जिसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की। तो पूरी फ्यूरियसली उनके पास से गुजरा। वो इतना फ्यूरियस था कि उसने एंडरसन को नोटिस नहीं किया पेड़ के पास में, वो बिल्कुल उनको क्रॉस करके आगे चला गया। जब वो काफ़ी आगे चला गया और आगे जा रहा था, तो एंडरसन को लगा कि मैं इसको यहाँ पर रोक लूँ। और दूसरी चीज़ जो उनके दिमाग में थी वो ये थी कि टाइगर कॉल कर रहा है, लेकिन ये मैनीटर है या नहीं है ये कैसे पता चले। वो ये चाहते थे कि इस टाइगर को अगर ये मैनिटर नहीं है तो मैं इसे नहीं मारूंगा। वो बेवजह टाइगर को नहीं मारना चाहते थे, वो सिर्फ मैनिटर को मारना चाहते थे। तो ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने एक दूसरी तरीका अपनाया। जैसे टाइगर उनसे उनको क्रॉस करके आगे पहुंच गया, तो उन्होंने खांसना शुरू किया। वो एक बार खांसे तो टाइगर एकदम से पलटा और ढूंढने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई। चांदनी रात थी तो उसको एंडरसन को लोकेट करने में टाइम नहीं लगा। उसने फट से एंडरसन को देख लिया, एंडरसन भी खड़े थे और उन्होंने अपनी राइफल अपने हाथ में ले ली पोजीशन में। तो टाइगर एकदम से अपने अगले पंजू पे दुबक गया, बिल्कुल उस पोजीशन में जिस पोजीशन में वो अटैक करने से पहले आता है। तो अब एंडरसन को अगले कुछ सेकेंड बड़े इंपॉर्टेंट लगे, उनको लगने लगा कि अब टाइगर उन पे अटैक करेगा, और उनकी राइफल भी तैयार थी कि जैसे अटैक आएगा वो फायर कर देंगे। लेकिन उसी समय कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। टाइगर भले ही अपने पंजे फैला के दुबका और अपनी गर्दन नीचे करके सर नीचे करके उनकी तरफ देखा अटैक करने के मूड में, लेकिन उसने अटैक करने के बजाय वो झटके से अपनी बाईं तरफ चला गया, यानी कि जंगल के अंदर एक झाड़ी में कूद गया और वहां से भाग गया। यह इस बात का इंडिकेशन था कि यह टाइगर मैनिटर नहीं था। एक जानवर के अंदर या
एक कार्निवोरा के अंदर, टाइगर के अंदर, लेपर्ड के अंदर एक इनहेरेंट डर होता है इंसान का, वो डर इस टाइगर के अंदर दिख रहा था। उसने जैसी इंसान को देखा वैसी वो घबरा सा गया, और पहले तो उसने एक पोज बनाई अटैक की, वो उसकी डिफेंसिव हो सकती है। उसके बाद वो चला गया दूसरी तरफ, यानी कि जंगल में चला गया अटैक किए बगैर। तो एंडरसन को ये कन्फर्म हो गया कि ये टाइगर मैनिटर नहीं है, और वो खुश भी हुए इस बात से कि उसने कुछ उन पर अटैक नहीं किया और उन्हें उसे मारना नहीं पड़ा। लिहाजा उन्होंने बंदूक अपने कंधे पर लटकाई और चल पड़े वापस अपने साथियों के साथ। उनके सारे साथी लेक के पास में खड़े होके उनका वेट कर रहे थे, सब साथ में हडल्ड थे। उनको एंडरसन ने ये सारी बात बताई तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि टाइगर की जो आवाज़ आ रही थी, जो कॉल उन्होंने सुनी थी, और एंडरसन का जो उन्होंने एक्शन देखा था जंगल में जाने का, उससे वो इस बात से कन्विंस थे कि एंडरसन जिंदा वापस नहीं लौटे। और वो एंडरसन को वापस देख के और उनसे यह सुन के कि ये जो टाइगर था ये मैनिटर नहीं है, वो बड़े आश्चर्यचकित थे और बड़े घुचक्के थे। उसके बाद दूसरे दिन एंडरसन ने फैसला किया कि वो जंगल में जगह जगह अपने बेड छुपा देंगे। उन्होंने कुछ हीफर्स ले लिए थे, भैंस के बच्चे, जिनको वो जंगल में एज ए बेट इस्तेमाल करना चाहते थे। उस गांव के पास में ही कुछ दूर में एक सेटलमेंट था, जो जनजाति लोगों का सेटलमेंट था, जो जंगल के रहने वाले लोग थे, उनको वहाँ की लोकल भाषा में चेंचू के नाम से जाना जाता था। चेंचू एक वहाँ की एक ट्राइब है जो वहाँ के जंगलों में रहती थी, और उसी गांव के पास में जो जंगल था, उस जंगल में एक चेंचू का सेटलमेंट था, जहाँ वो लोग एक हल्की फुल्की सी झोपड़ियाँ बना के रहा करते थे। तो उन्हीं में से एक बंदा वहाँ आया जिसका नाम अप्पू था। एंडरसन से उसका परिचय हुआ, गांव के लोग तो उसे जानते ही थे। तो एंडरसन ने जब उसे बताया कि वो जंगल में अपने बेट से बांधना चाहते हैं और साथ में मचान बनाना चाहते हैं, तो अप्पू ने ऑफर किया उनको कि वो मचान बनाने में उनकी मदद करेगा। तो क्योंकि वो जंगल का रहने वाला था, एंडरसन उसके जंगल के नॉलेज से बड़े इंप्रेस थे, और साथ में उन्होंने पहली दफा देखा कि किस प्रकार अप्पू ने इतना बढ़िया मचान बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति जिसको पता ना हो कि यहाँ पे मचान है, वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। जब मचान बन के पूरा तैयार हो गया, तो एंडरसन ने उस मचान के पास में ही एक अपना बेट बांध दिया, और उसके अलावा दो तीन और बेट्स, एक तो जो लेक थी उसके आगे जो बरसाती नाला था उसके पास में, और एक बेट जंगल में कहीं और बांध दिया। ये जगह जगह जंगल में जो बेट्स बंधे रहते थे, एंडरसन के लोग जाके उनको देखते थे सुबह शाम, दिन में उनको चारा देते थे, पानी देते थे। और इस मचान के पास में जो बेट बदा था, रात को उसे टाइगर ने मार दिया। सुबह आके एंडरसन को अप्पू और उसके साथियों ने खबर दी, जो जंगल में बेट्स के मुआयने के लिए जाते थे। तो एंडरसन ने फैसला किया कि रात को वो इस मचान में बैठेंगे। शाम को जब अंधेरा होने लगा, सूर्यास्त हो गया, तो एंडरसन मचान में बैठे और वेट करने लगे। तो जंगल के जो जानवर थे वो एक्टिव हो गए। रात को जो निशाचर पक्षी थे वो जंगल में घूम रहे थे, नाइट जार घूम रहे थे। उसके अलावा शाम को जब रात होने लगती है, तो जो जानवर, जो पक्षी अपने अंतिम कॉल देते हैं शाम को, वो कॉल दे रहे थे। तो बड़ा
सुहावना माहौल था। जो लेक थी वो एंडरसन के पीछे की तरफ थी, वहां भी कुछ लेक के किनारे मोरू का कुछ जोड़ा था, वो अपनी कॉल दे रहा था। और शाम का जो पीरियड था उसमें कोलाहल कुछ ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे वो कोलाहल सेटल हो गया। और जो रात को जो जानवर बोलते हैं, कीड़े मकोड़े पक्षी, वो अपनी बोली बोल रहे थे, जिनमें मेजरली क्रिकेट्स थे। तो एंडरसन उन्हीं आवाजों को सुन रहे थे। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक टाइगर आ रहा है, और जिस ढंग से टाइगर आया और कुछ देर किल से कुछ देर कुछ दूरी पर उसने वेट किया, उसके बाद बोल्डली वो जैसे किल के पास में गया, तो एंडरसन को ये लगा कि ये इसके चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैनिटर नहीं है, चाहे इसने इस बेट को इसने मारा है या किसी दूसरे ने मारा है, मारा इसी ने होगा, जाहिर है ये खाने के लिए आ रहा है। तो अब एंडरसन इसे मारना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो इतने में उनके दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्होंने समझा कि इसको कुछ इसके साथ मजाक किया जाए, ताकि अगले टाइम से ये इतनी बोल्डली ना आए या फिर शिकार पर वापस आए ही नहीं। तो एंडरसन ने पेड़ से एक तेंदुए की आवाज निकाली। तो तेंदुए की आवाज सुनते ही टाइगर आग बबूला हो गया। वो अभी तक जो शिकार पर सेटल होने की कोशिश कर रहा था, वो सेटल होने के बजाय खड़ा हो गया और सीधे उस पेड़ पर उसने अटैक कर दिया जहां से ये आवाज आ रही थी। तेंदुए अक्सर पेड़ों पे रहते हैं, और जब भी टाइगर्स या लायंस उन पे अटैक करते हैं तो पेड़ों पे चढ़ के अपनी जान बचाते हैं। इसके अलावा वो पेड़ों पे चढ़ के चारों तरफ का मुआयना भी करते हैं और अपने शिकार को भी इसी ढंग से स्टॉक करते हैं। तो टाइगर को भी ये पता था, जाहिर है, कि पेड़ों पे तेंदुए रहते हैं, तो उसने बिना देर लगाए उस पेड़ पर अटैक कर दिया। अटैक ही नहीं किया, एंडरसन को लगने लगा कि वो पेड़ पर चढ़ भी रहा है, क्योंकि जिस पेड़ पे मचान बना था वो बहुत मोटा पेड़ नहीं था, बहुत मजबूत नहीं था, एवरेज साइज का था। लेकिन टाइगर काफी हैवी जानवर है, और जब वो पेड़ पे चढ़ रहा था तो पेड़ बिल्कुल हिलने लग गया था, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा था। अब जब वो पेड़ पे चढ़ के एंडरसन को लगा कि एक ऊपर वाले फॉग पे आ गया है, तो अब उन्हें ये लगा कि यह मजाक उन्हें शायद महंगा पड़ गया है। इतना उन्होंने सोचा भी नहीं था जितना इस टाइगर ने कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि टाइगर तेंदुए की आवाज सुन के ऊपर देखेगा, वो कोशिश करेगा और उसे मचान दिखाई देगा तो शायद वो भाग जाएगा, लेकिन इसका रिएक्शन डिफरेंट था। अब एंडरसन को ये लगने लगा कि वो जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर है भी नहीं, और टाइगर थोड़ा ऊपर चढ़ गया। अब अगले मोमेंट शायद उसके जो हैवी पंजे हैं उनके मचान को फाड़ देंगे और शायद उन्हें नीचे गिरा दें, और अगर वो नीचे गिर गए तो टाइगर उनके ऊपर कूद पड़ेगा। तो इस डर से एंडरसन खड़े हो गए, खड़े होके ये आशंका करने लगे कि अब टाइगर उन पे अटैक करने ही वाला है अपने पंजों से। तो इसी कमोशन के दरमियान उन्होंने आवाज निकाली, शू शू, टाइगर को भगाने की कोशिश की, ह्यूमन बींग की आवाज निकाली। ह्यूमन बींग की जैसी आवाज निकाली, इसका रिएक्शन इंस्टेंटेनियस था टाइगर पे। टाइगर नीचे कूदा, उसके नीचे कूदने से पेड़ बिल्कुल वाइब्रेट हुआ लास्ट टाइम, नीचे कूदते ही वो फिर अगले बाउंड में जंगल की ओर भाग गया। यानी कि ये दूसरा कंफर्मेशन एंडरसन को हो गया कि ये टाइगर मैनिटर नहीं है, और एक कंफर्मेशन उन्हें ये हो गया कि मजाक मजाक में उनके जान पे बनाई थी। बहरहाल टाइगर चला गया।
अब उसके आने की कोई आशंका थी नहीं, तो एंडरसन नीचे उतरे और वापस आए। स्कूल में उनके सारे लोग थे, उसके अलावा अप्पू भी था, और जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई तो एंडरसन कहते हैं कि अप्पू था दहाड़े मार मार कर हंस रहा था, कह रहा था गजब हो गया कि टाइगर तो बिल्कुल पजल हो गया होगा। पहले दिन जब वो एक टाइगर को खोज रहा था तो उसे इंसान मिला और उसे भागना पड़ा, और इस बार जब वो लेपर्ड पर अटैक करने जा रहा था दूसरी बार उसे इंसान मिल गया, तो टाइगर बेचारे पे बड़ी बुरी बीती होगी। तो इस बात को सोच के बोल के पप्पू बहुत जोर जोर से हंस रहा था। तो बहरहाल इस बेट को तो मार दिया था टाइगर ने, तो एंडरसन ने इसे बदला और इसकी जगह उन्होंने फ्रेश बेट बांधा, और दूसरे दिन सुबह फिर उन्हें खबर मिली कि उस बेट को भी एक टाइगर ने मार दिया। तो एंडरसन और दिन की तरह ही फिर मचान पर बैठ गए शाम को, और रात को टाइगर का इंतजार करने लगे। तो उन्हें ये लगने लगा कि बेट को मारा हुआ है तो हो सकता है कोई हाइना आ जाए या कोई और जानवर आ जाए, टाइगर आए ही नहीं, तो ये उनकी मन में विचार चल रहे थे, तो ख्यालों में डूबे हुए थे। तो अचानक उन्हें अपने पेड़ के नीचे से एक लंबी सांस छोड़ने की आवाज़ सुनाई, तो उन्हें आवाज़ हुआ कि टाइगर आ चुका है, उनके पेड़ के नीचे है। अब वो अगली घटना के बारे में सोचने लगे कि अगला एक्शन टाइगर का क्या होगा, क्या वो ऊपर देखेगा, क्या वो मचान को पहचान लेगा। सोचते सोचते काफ़ी टाइम गुजर गया था, तो उन्हें पेड़ के नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन कहते हैं कि वो उस आवाज़ को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सुनाई दे रहा था कि टाइगर जो है नेचर के कॉल को आंसर कर रहा है। तो उन्हें खुशी भी हुई कि टाइगर ने ऊपर देखा नहीं और उनके मचान को डिटेक्ट नहीं किया। उसके बाद वो वेट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि टाइगर बिल्कुल बोल्डली शिकार की ओर चल पड़ा। उसके चलने में, उसके मूवमेंट में लिम्पिंग का कोई वेस्टिज भी नहीं था, तो जाहिर था ये भी मैनिटर नहीं है। तो अब बहुत संभव है कि वही टाइगर है जो जिससे उन्हें दो पहले ओकेजन में मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें थोड़ा इससे इरिटेशन होने लगा था, क्योंकि ये आए दिन उनके बेट को मार रहा था और बेट कोई मुफ्त में उन्हें मिल नहीं रहे थे। बड़ी जिद्दोजहद के बाद उन्हें बेट मिल रहे थे, उसके लिए भी उन्हें अच्छा खासा पैसा देना पड़ रहा था, और ये टाइगर अगर इसी तरह उन्हें मारता रहे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन एंडरसन इसे भी नहीं मारना चाह रहे थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो इसे एक सबक सिखा दें। उन्होंने टाइगर जो उन्हें दिख रहा था चांदनी में, उसके फांस में जो उन्हें लगा कि उसके दो पैरों के बीच की जगह है, निशाना लगा के फायर किया। उनके पास .405 विंचेस्टर राइफल थी, बड़ी आवाज करती थी, बड़ा ब्लास्ट था उसका, और जैसे उन्होंने फायर किया तो टाइगर ऐसा लगा हवा में उछला, बिल्कुल मुड़ा सा, और अगले ही पल वो जंगल में ओझल हो गए। उसके बाद एंडरसन मचान से नीचे उतरे और कंधे पे बंदूक लटकाई और वापस आ गए स्कूल में। दूसरे दिन उन्होंने वो मरा हुआ बेट फिर रिप्लेस करवाया और वहाँ पर दूसरा बेट बांधा फ्रेश, और रोज की तरह शाम को एंडरसन फिर उस मचान में बैठ गए और रात की घटनाएं जो थी वो शुरू हो गई। और एंडरसन वेट करते रहे तो अचानक उन्हें काफ़ी दूर से टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, गुर्राने मतलब टाइगर की कॉल सुनाई दी। टाइगर कॉल पे कॉल करता रहा और वो उनकी तरफ आया, पेड़ से करीब 50 गज की दूरी तक आया,
लेकिन बेट के पास में आया नहीं, उसने उस बेट को मारा नहीं, जबकि पहले दो बेट जो उसने मारे थे। तो एंडरसन कहते हैं कि यह टाइगर वही है जिससे पहले उनका मुकाबला हो चुका है, वो भूखा है और उसने बेट को देख भी लिया, लेकिन उसके जो पिछले अनुभव हैं वो ठीक नहीं रहे, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो इस बेट को मारे। लिहाजा वो उससे काफ़ी दूरी से गरज रहा है और इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि वो भूखा है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो इस बेट को मारे। काफ़ी देर तक वो इस प्रकार वहाँ पर गरजता रहा और उसके बाद चला गया जंगल में। एंडरसन फिर रात को आराम से बैठे रहे मचान में और सोचते रहे क्या अब मैनिटर आएगा इसे मारने के लिए। रात भर कुछ हुआ नहीं, लिहाजा वो सुबह उतरे और आ गए अपने कैंप में जो कि स्कूल था, और अगले 2-3 दिन यही प्रोसेस वो दोहराते रहे। कोई नई सफलता उन्हें मिली नहीं। 2 दिन बाद उन्हें अप्पू और उसके एक साथी ने उन्हें खबर दी कि उनका जो एक बेट लेक के आगे एक सूखे नाले के पास में बंधा हुआ है, वहाँ उन्होंने मैनिटर के पैरों के निशान दिखाई। तो एंडरसन वहाँ गए और उन्होंने जमीन का मुआयना किया तो क्लियरली जमीन में मैनिटर के पैरों के निशान थे, जिसमें उसके 3 पैरों के निशान थे और एक अलग से ऐसा लग रहा था कोई चीज़ वो घिसकता हुआ ले जा रहा था। जाहिर है उसका चौथा पैर था जो अब काम का नहीं था, उसका वेट सहन नहीं कर पा रहा था। तो एंडरसन को ये बड़ी अच्छी खबर लगी और कई दिन से वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, खोजने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्हें मिल गई थी। अब उन्होंने नया नया प्लान ये बनाया कि वो और अप्पू इस जो पैरों के निशान जहाँ जा रहे हैं उनको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे जंगल में कहीं उन्हें मैनिटर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें बड़ी आश्चर्यचकित कर रही थी वो ये थी कि मैनिटर टाइगर बेट के इतने नज़दीक आकर भी उसने बेट को क्यों नहीं मारा। ये एक बड़े आश्चर्य की बात थी उनके लिए। तो एंडरसन ने और लोगों से कहा कि वो सारे लोग उनके कैंप में ही रहें, इंक्लूडिंग बायना। वो और अप्पू जंगल में चल पड़े। अप्पू एंडरसन को बड़ा पसंद था क्योंकि उसे जंगल का बड़ा नॉलेज था और वो बहुत ही फुर्तीला किस्म का था और बहुत ही सजग, बहुत ही चतुर। तो एंडरसन को जिस प्रकार का व्यक्ति अपने साथ चाहिए था जंगल में वो वैसा ही था। तो एंडरसन उसके साथ चल पड़े और उन मैनिटर के पैरों के निशान जिस तरफ जा रहे थे उन्हीं को फॉलो करते रहे। फॉलो करते करते वो जंगल के बीच में पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने वो जो पैरों के निशान थे वो खो दिए थे मैनिटर के। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि वो एक जनरल डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। पैरों के निशान तो है नहीं, वो मिट गए। लिहाजा वो जिस तरफ पैरों के निशान जाते हुए उन्होंने लास्ट टाइम देखे हो उसी तरफ चल पड़े। 2-3 मोड़ जाके वो एक जगह एक सूखे नाले में पहुंचे जो उस रास्ते को क्रॉस करता था। उसके बेड में उन्हें इस मैनिटर के पैरों के निशान बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए। वहां पर पैरों के निशान इतने क्लियर थे कि 3 पैरों के निशान के साथ साथ वो चौथा पैरों का जो खिसता हुआ निशान था वो भी उन्हें दिखाई दे रहा था। इसी फैशन में आगे चलते रहे। उसके पास में एक चेंचू की जो सेटलमेंट थी जहां अप्पू बिलोंग करता था वो भी थी, तो उस तरफ जा रही थी। तो एंडरसन थोड़ा आगे पहुंचे, एंडरसन और अप्पू, तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और रुके देखा तो उन्होंने सामने करिए 10-15 लोग चले आ रहे हैं।
चंचू थे पप्पू के बिरादरी के लोग, और जब वो उनके पास में पहुंचे तो उन्होंने मैनिटर के बारे में उन्हें बताया कि मैनिटर ने उनकी बस्ती से एक व्यक्ति को मार दिया, और उस व्यक्ति को उसने पहले दिन मारा। तो अब एंडरसन इन कड़ियों को जोड़ने लगे जो उन्होंने पैरों के निशान देखे हैं और जो ये घटना हुई, तो ये कुछ इस तरह की थी कि जो पैरों के निशान थे टाइगर के, वो एक दिन पुराने थे। उस व्यक्ति को जिसका नाम काला था, उसे टाइगर ने मारा था। चेंचू लोगों ने बताया कि काला एक इस तरह का व्यक्ति था वो, जो दूसरों की सुनता नहीं था। सेटलमेंट के लोग, बस्ती के लोग बड़े सतर्क होके ग्रुप में इधर से उधर जाते थे, लेकिन काला अकेले जाता था। जब लोग उससे कहते थे, भाई तू अकेले मत जाया कर, साथ में जाया कर, पास में मैनिटर टाइगर एक्टिव है, तो वो कहता था कि जंगल में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिससे वो डरता है, बल्कि इसका उल्टा है। जंगल के सारे टाइगर्स, इंक्लूडिंग मैनिटर टाइगर, उससे खौफ खाते हैं। लिहाजा उसे कोई डर नहीं है अकेले जंगल में या रास्ते में मूव करने में। तो उस दिन काला घर में आया और उसने अपनी वाइफ से बोला कि पास में उसने मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता देखा है, वो वहां से शहद इकट्ठा करने के लिए जाएगा, और वहां उसने अकेले जाने का फैसला किया। और आमतौर पे ये चेंचू लोग अपने पास में तीर और धनुष रखते हैं, वो भी उसने नहीं रखा, उसे लगा कि ये फालतू में उसे डिस्टर्ब करेंगे। उसने एक कुल्हाड़ी पकड़ी और अपने जेब में एक माचिस का एक बॉक्स रखा और एक कंटेनर रखा और एक शहद निकालने का औजार रखा छोटा सा। इन सबको लेके वो चल पड़ा। तो कुछ देर हो गई तो गांव के लोगों को आवाज सुनाई दी, बाघ 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 ने मुझे मार दिया है, बचाओ बचाओ। तो अप्पू की जिस तरह की आदत थी, उसकी आदतों से गांव के लोग बड़े परेशान थे, या उसकी आदतों से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब उसने हल्ला किया वहां, तो लोगों ने समझा कि ये मजाक कर रहा है, तो किसी ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। जब बहुत देर हो गई तो वापस नहीं आया हो, तो जाहिर था तब थोड़ा सी आशंका लोगों को होने लगी। तो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ वो गया था। वो जगह गांव से बहुत दूर नहीं थी। गांव के लोगों को थोड़ा इस बात की ईर्ष्या भी उससे थी कि गांव के इतने पास में मधुमक्खी का छत्ता है, वो कैसे इन लोगों से मिस हो गया और काला को मिल गया। और काला को मिल भी गया तो काला ने कम से कम गांव के और लोगों को साथ में ले जाना चाहिए था, सबके साथ उसे शेयर कर लेता तो क्या बिगड़ता। तो बहरहाल लोग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काला की कुल्हाड़ी और कंटेनर और जो औजार थे सब वहां पर गिरे हुए थे, और काला का कहीं कोई पता नहीं था। और वहां उन्होंने देखा कि मिट्टी में पैरों के निशान पड़े हुए हैं। उसके बाद लोगों ने उसे खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि उन्होंने काला को बार बार आगाह किया था कि वो अकेले मत जाया कर, वो किसी की सुनता नहीं था। और अब टाइगर उसे उठा के ले भी गया है तो जाहिर था वो जिंदा होगा नहीं, तो उसकी खोज में जाके अपनी जान को खतरे में डाल के क्या फायदा। लोगों की ये ओपिनियन थी, लोग सब वापस आ गए। रात हुई, रात बीती, दूसरी सुबह हुई, तो लोग बड़े लेजरली उठे और फिर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, भाई काला को तो मार दिया है, लेकिन मैनिटर टाइगर आसपास में घूम रहा है। तो उन्हें इस बात की खबर थी कि एंडरसन पास के पेड्डाचेरू गांव में आए हुए हैं भाईना के साथ, और वो मैनिटर को मारने के पर्पज से ही आए। तो सारे चेंचूज ने प्लान बनाया कि वो एक ग्रुप बना के उस गांव में जाएंगे और एंडरसन को इस बात की खबर देंगे कि काला को टाइगर ने मारा था।
और यहाँ एंडरसन और अप्पू उन्हें उनके सेटलमेंट के पास में मिल गए। तो अब फटाफट एंडरसन उनके साथ गए, और अब अभी तक एंडरसन और अप्पू दो ही जने थे जो टाइगर के पैरों के निशान ढूंढ रहे थे। अब इतने सारे लोग हो गए थे, और वो ऐसे लोग थे जो जंगलों में घूमते रहते थे, और टाइगर के पैरों के निशान खोजना उनके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। तो फटाफट टाइगर के पैरों के निशान खोजते हुए वो जंगल में आगे बढ़े। ढूंढते ढूंढते उन्हें काला के बॉडी के पार्ट्स मिल गए। ज़्यादातर पार्ट तो खा लिया था, लेकिन उसका सिर, उसके पैर, उसके हाथों का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। उसके अलावा उसकी एक टांग वहाँ से कुछ दूर पड़ी हुई थी, शायद किसी हाइना ने खींच के उधर रख दी होगी। तो अब इन सारे चेंजूस ने मिल के उन सारे पार्ट्स को एक जगह किया, और सब ने मिल के कंसल्टेशन शुरू किया। कई लोगों का कहना ये था कि एंडरसन को वहाँ रात को बैठना चाहिए, कईयों का ये था कि एंडरसन को यहाँ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कोई फायदा नहीं, टाइगर अब वापस आया नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर पार्ट उसने खा रखा है। लेकिन सारी स्थिति को देखकर एंडरसन को ये लगा कि टाइगर वापस आएगा, क्योंकि उन्हें ये लगा ये टाइगर बुरी तरह से घायल है, इतना घायल है कि ये किसी भी जानवर को मारने में असमर्थ है। लिहाजा ये जो मांस थोड़ा सा भी बचा है इसे भी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये बहुत वैल्यूबल है, और वो वापस आएगा इसे खाने के लिए। और वो इतना घायल है कि रास्ते में उसने एक बेड को बंधा हुआ देखा, और उसे मारने की उसे हिम्मत नहीं आई। अगर वो थोड़ा सा भी समर्थ होता उसे मारने में, तो उसे मार लेता और वापस यहाँ नहीं आता। और इस काला को उसने एक टाइम में नहीं खाया है, बल्कि उसने काला को मार के उसे भरपेट खाया। उसके बाद वो पानी पीने गया नीचे लेक में, पानी पीने के बाद उसने रेस्ट किया। उसके बाद शायद फिर उसे याद आई कि उसका शिकार का कुछ पार्ट वहाँ पड़ा है, तो दूसरी बार फिर वो उसी रास्ते आया। फिर उसने बेट को देखा रास्ते में, और काला के बचे हुए पार्ट को खा गया। उसके बाद वो यहाँ से चला गया। तो वहां पर जो विचार विमर्श उन लोगों ने किया, उससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर एक मचान बनाया जाएगा पेड़ में, और एंडरसन उसमें बैठेंगे। और जब तक ये मचान बना रहे, एंडरसन ने सोचा कि वो फटाफट पिड्डा चेरू गाँव में जाके अपना नाश्ता पानी कर लें, और रात के लिए उन्हें कुछ वाटर बोतल वगैरह चाहिए होगा तो उसे लेके आ जाए। तो चेंचूस ने मिलके मचान बनाना शुरू किया। एंडरसन गए और अपना खाना खा के, और अपना रात के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी उसे लेके वापस आए। जब वहाँ पहुँचे तो सिर्फ दो जने अप्पू और एक और साथी मचान में बैठे उनका वेट कर रहे थे। जैसे एंडरसन आए वो मचान से नीचे उतरे, एंडरसन मचान में कंफर्टेबली बैठ गए, तो अप्पू और उसका साथी उस रास्ते में चल पड़े वापस, लेक से होते हुए वो गांव की ओर चल पड़े। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी। वही शाम की जो एक्टिविटी थी जंगल में वो होने लगी, रात के जानवर एक्टिव होने लगे। तो एंडरसन को वहाँ पर कुछ एक अजीब सी फीलिंग आने लगी कि रात को जो नॉर्मल वो जानवरों को सुनते हैं या पक्षियों को सुनते हैं, जिनमें जंगली मुर्गियाँ भी होती हैं और कई तरह के पक्षी होते हैं, उनकी आवाज़ें वो सुन नहीं पा रहे। यहाँ तक कि बंदर भी वहां एक्टिव नहीं है। ये बड़ा उन्हें अजीब सा लग रहा था। तो वो सोचते सोचते उन्हें उसका आंसर भी मिल गया, क्योंकि पास में जो एक चेंचूस की बस्ती है, ये लोग धनुष और बाण लेके जंगल में घूमते हैं, और कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो जिसमें जहर ना होता हो उसे मार लेते हैं और खा लेते हैं। तो शायद इसी इलाके में इन सारे जानवरों और पक्षियों का अभाव इसीलिए है क्योंकि इन लोगों ने उसे उन्हें मार के खा लिया है। थोड़ी देर में उन्हें क्रिकेट की आवाज़ सुनाई दी,
पहले एक बोला, फिर दूसरा बोला, तीसरा बोला, धीरे 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 क्रिकेट की इतनी ज़्यादा आवाज़ वहाँ होने लगी, ऐसा लगा कि जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। तो उसी आवाज़ में एंडरसन वेट करते रहे, तो अचानक क्या हुआ, ये आवाज़ बंद हो गई। एंडरसन बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अचानक ये आवाज़ क्यों बंद हुई हो। वो अपने कानों को स्टेन कर ही रहे थे कि आवाज़ क्यों बंद हुई, तो उन्हें आंसर मिला। उन्हें अचानक एक टाइगर की कॉल सुनाई दी उस तरफ से जहां लेक थी। टाइगर की कॉल से क्रिकेट्स बंद हो गए, क्रिकेट्स ने आवाज़ करना बंद कर दिया। ये क्यों हुआ? ये सवाल एंडरसन ने अपने एक नेचुरलिस्ट फ्रेंड से पूछा था। उसका जवाब उसने ये दिया था कि टाइगर जब कॉल करता है तो उसकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन बहुत दूर तक जाती है, और ये जो क्रिकेट हैं इनके पास सेंस ऑफ टच जो होता है ये बहुत तेज होता है, बहुत ही शार्प होता है। लिहाजा जब इनके आसपास कोई वाइब्रेशन होता है तो ये बहुत आशंकित हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, टाइगर के कॉल से जो वाइब्रेशन हो रही थी वो इन तक पहुंच रही थी, उसे सेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चुप हो गए। तो बहरहाल टाइगर की कॉल एंडरसन को सुनाई दी। पहले एक कॉल आई, फिर दूसरी आई, और मजे की बात ये थी कि टाइगर उनकी तरफ आ रहा था, और एंडरसन बड़े मिस्टिफाइड थे कि टाइगर कॉल कर रहा है कि कौन सा टाइगर है और उनकी तरफ आ रहा है। जब उनके काफी पास में टाइगर आ गया तो एंडरसन को फिर कोई शक नहीं रहा कि जो ये कॉल कर रहा है यही मैनिटर है। और दूसरी चीज ये कंफर्म हो गई कि टाइगर किल पर आ नहीं रहा है, बल्कि किल से करीब 150 गज दूर है और एक झाड़ी के पीछे से छुप के कॉल पे कॉल दिए जा रहे हैं, एक तरह से गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है। तो एंडरसन काफी देर तक सोचते रहे, फिर उन्हें समझ आ गया कि इसका कारण क्या है। कारण यह था कि जब दिन में ये लोग यहां पर आए थे किल के रिमेन्स पे, काला के रिमेन्स पे, तो टाइगर कहीं आसपास ही था और उसने उन्हें देख लिया था, उन्हें मचान बनाते हुए भी देख लिया था और मचान में चढ़ते हुए भी देख लिया था। और बाद में जब अप्पू और उसका एक साथी मचान से नीचे उतरे और वो लेक की तरफ गए तो ये टाइगर उनको स्टॉक करते हुए उनके पीछे पीछे वहां तक गया। और अब जब ये वापस आ रहा है तो ये गुर्रा रहा है, दहाड़ पर दहाड़ मार रहा है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये मचान में बैठे हुए व्यक्ति को डरा के भगाना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत जितना भी काला का रिमेन पड़ा हुआ है ये इसके लिए बड़ा वैल्यूबल है, क्योंकि इसको पता है कि ये और जानवर को मार नहीं सकता है, लिहाजा ये इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है और यहां पर बैठे हुए व्यक्ति को भगाना चाह रहा है। एंडरसन उसे बहुत देर तक सुनते रहे, करीब आधे घंटे तक, और अब एंडरसन को ये लगने लगा कि यहां पर बैठे रहना कोई उचित नहीं है। एंडरसन की जो अलग अलग कहानियां हैं उनमें एक चीज दिखती है कि वो रिस्क काफी लेते थे, इसलिए कई बार लोग ये भी कहते हैं कि उनकी कहानियां फिक्शियस लगती हैं। बहरहाल एंडरसन को ये लगने लगा कि यहाँ पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, वो भी इम्पेशेंट होने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि टाइगर अगर इतनी दूर है तो ये यहाँ आएगा नहीं जब तक उसे ये लगेगा कि मचान के अंदर व्यक्ति बैठा है। वो उसे भगाना चाह रहा है, जब यह व्यक्ति यहाँ से नीचे उतरेगा, यानी कि एंडरसन जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तब शायद ये टाइगर आगे आए, और अगर एंडरसन ने कुछ नहीं किया तो कुछ देर बाद या सुबह तक ये टाइगर यहाँ से चला जाएगा। एंडरसन इस मौके को खोना नहीं चाहते थे, उनको एक तरह की अपॉर्चुनिटी लग रही थी। तो अब एंडरसन इम्पेशेंट हो रहे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि वो पेड़ से नीचे उतरेंगे।
लिहाजा वो खड़े हुए और साथ में उन्होंने ये निश्चय किया कि जिसमें टाइगर गरजता है ठीक उसी समय वो नीचे उतरना शुरू करेंगे ताकि उनका मूवमेंट उसकी गरज में दब जाए। तो टाइगर जैसी दहाड़ा एंडरसन ने नीचे उतरना शुरू किया और जब वो आधे रास्ते तक नीचे पहुंचे थे आधे पेड़ तक तो मजे की बात यह है कि टाइगर ने गरजना बंद कर दी। एंडरसन को बड़ी मुश्किल हो गई। अब उन्हें ये लगने लगा कि टाइगर वहां से चल पड़ा है या टाइगर एकदम पास में आ गया है। वो अब जमीन में पहुंचेंगे तो पहुंचते ही शायद टाइगर उन्हें खींच के ले जाएगा, लेकिन अब उन्होंने निश्चय कर लिया था नीचे उतरने का तो नीचे उतरेंगे ही। नीचे उतरने के बाद उन्हें टाइम चाहिए अपने कंधे से राइफल निकालने का। बहरहाल यूं ही टाइगर ने गरजना बंद किया, एंडरसन को ये आभास हुआ तो उन्होंने नीचे उतरने का पेस बढ़ा लिया। मुझे कहने में टाइम लग रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट हो रही थी। एंडरसन फटाफट नीचे उतरे और ज़मीन में जैसे ही पहुँचे उन्होंने फटाफट अपनी राइफल अपने हाथ में ली तो उन्हें बड़ा रिलीफ मिला। अभी तक उन्हें जो लग रहा था कि अब मैं अगले पल टाइगर का शिकार बन जाऊँगा, अब उन्हें ये लगा कि जैसे उन्हें जीवनदान मिल गया है, उनकी जान में जान आ गई क्योंकि राइफल उनके हाथ में थी। अब वो सतर्क होकर बैठे थे, हो न हो टाइगर उन पर अटैक करे, और जिस तरफ से अटैक होने की आशंका थी उस तरफ वो अपनी पोजीशन किए हुए खड़े थे और पेड़ उनके पीछे की तरफ था। तो एंडरसन कहते हैं कि कुछ देर तो यह सब सुनसानी रही, वेट करते रहे, लेकिन लगता है जितना प्रेशर मेरे अंदर था, जितना टेंशन मुझे था, शायद उतना ही प्रेशर टाइगर पर भी चल रहा था। उसने साइलेंस तोड़ी और एक शटरिंग रोर दी और अटैक लॉन्च कर दिया, लेकिन अटैक उनके सामने से नहीं आया जहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उनके पीछे से आया पेड़ की तरफ से। तो उनके लिए अच्छा रहा कि पेड़ से उनको थोड़ा सेफ्टी मिल गई। हालांकि पेड़ बहुत मोटा नहीं था लेकिन फिर भी टाइगर के लिए एकदम खाली जगह नहीं थी अटैक करने के लिए। यह जो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि टाइगर एक छाए की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है और जहाँ पर उन्हें टाइगर का सिर लगा उन्होंने उस पर फायर कर दिया। पहला फायर किया, टाइगर आगे को गया और आगे से उसने थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश की, मुड़ के उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुड़ा नहीं बल्कि उसी दिशा में चलता रहा। तब एंडरसन ने दूसरा फायर किया और दो फायरों की आवाज काफी दूर तक इको करती रही और एंडरसन खड़े खड़े टाइगर के अगले मूव का वेट करते रहे। उसके बाद टाइगर आगे की झाड़ी में गया और सब सुनसान। एंडरसन कोशिश करते रहे उस तरफ से कोई साउंड उनको आए, टाइगर को अगर हिट हुआ है तो वो गुस्से में होगा, वो अपने आसपास की झाड़ियों को नोचने की कोशिश करेगा, जो भी पेड़ पौधे उसको मिलेंगे उन्हें नोचेगा, और अगर उसे गोली लगी है और घाव फेटल है तो फिर उसके गर्गलिंग की आवाज़ आएगी, उसे मरने की जो सांस की आवाज़ होती है वो आएगी। लेकिन काफ़ी देर होगी, कोई आवाज़ उस तरफ से नहीं आई। तो एंडरसन ने अपने राइफल पर लगा हुआ टॉर्च जलाया और उस तरफ पॉइंट किया जिस तरफ टाइगर गया था। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर वो धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस तरफ गए। उन्होंने कोशिश की कि कहीं ब्लड ड्रॉप्स या ब्लड पूल या और कुछ उन्हें इस तरह दिखाई दे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वो उस झाड़ी के पास में पहुंचे जहाँ पे टाइगर एंटर किया था, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर एंडरसन धीरे धीरे वापस उस पेड़ पे आ गए तो उन्हें ये आभास हुआ कि वो मिस कर गए, एक नहीं दो गोलियाँ मिस कर गए, और एक तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जो उन्होंने पहला फायर किया था टाइगर के सिर पे, उसे भी वो मिस कर गए।
जाहिर था डिसअपॉइंटमेंट होना था। कुछ देर वो खड़े रहे, फिर वो ऊपर मचान में चढ़े और बैठ गए। अब टाइगर के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लिया जाओ आराम करने लगे। धीरे धीरे जो क्रिकेट्स की आवाज़ बंद हो गई वो फिर शुरू हुई, 1 2 3, और सारा जंगल दोबारा क्रिकेट्स की आवाज़ से गुंजायमान हुआ। और इस प्रकार एंडरसन की रात बीती। सुबह जब हुई तो अप्पू और उनके दोस्त वहाँ आए, तो दो चार लोग थे, उन्होंने रात को फायर की आवाज़ सुनी थी गांव में, तो एंडरसन से पूछने लगे क्या हुआ। एंडरसन ने सारी घटना बताई। तो एंडरसन कहते हैं कि मैं इतना शर्मिंदा था कि इतने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मैंने 2 बार टाइगर को मिस कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, और मुझे ये उन्हें बताते हुए भी शर्म आ रही थी कि मैंने गोली चलाई। तो बहरहाल फिर उन साथियों के साथ उन्होंने उस इलाके का मुआयना किया, कहीं कोई खून के धब्बे नहीं गिरे थे, कोई ब्लड ट्रेल नहीं थी, तो जाहिर था टाइगर को चोट लगी नहीं थी। इसी डिसअपॉइंटमेंट वो लोग वापस आ गए और वापस आके रेस्ट करने लगे एंडरसन दिन में। और वहाँ पहुँचने के बाद बायना, जो एंडरसन को यहाँ लेके आया था अपने लैंड रोवर में, वो कहने लगा कि आज मार्केट चलते हैं मरकापुर, वहाँ से सामान लेके आएंगे। तो अप्पू ने उससे कहा कि आप गाड़ी लेके जाइए, आप सामान लेके आ जाइए जो ख़त्म हो गया, मैं और एंडरसन साहब जंगल में पूरे जंगल को छानेंगे, टाइगर को ढूंढेंगे जहाँ भी हमें मिलेगा। तो एंडरसन को ये प्लान ठीक लगा, क्योंकि जो सामान खत्म हुआ था उसे लेने मरकापुर गया बायना। और उसके जाने का एक रीज़न और था कि उसे ये लगा कि टाइगर बहुत चालाक है, तुम्हारी बस का उसे मारना नहीं है, लिहाजा और तो बहुत ज़्यादा उम्मीद उसे नहीं रही थी। तो दूसरे दिन सुबह बायना लैंड रोवर को लेके मरकापुर चले गए, जो भी राशन उनका ख़त्म हुआ था उसको लेने के लिए। अप्पू और एंडरसन चल पड़े जंगल में टाइगर की खोज में। वो सोचने लगे कि जहाँ पर काला को मारा है उसके अलावा कहाँ और टाइगर के मिलने की पॉसिबिलिटी है। और इस दफ़ा अप्पू ने अपने एक कुत्ते को भी साथ में ले लिया था, एक छोटा कुत्ता था उसके पास, बहुत पहले से उसके साथ में रखा था, और काफ़ी फुर्तीला कुत्ता था, लेकिन देख के लगता था कि जैसे बस भूख से मरने वाला है, पूरी तरह से खाना इसे न मिला हो। उसको लेके चल पड़े। पप्पू ने उसका नाम अड़ियप्पा रखा हुआ था। अड़ियप्पा आम तौर पे आंध्र प्रदेश में इंसानों का नाम होता है। तो जब एंडरसन ने उससे पूछा अप्पू से कि उन्हें अपने कुत्ते का नाम अड़ियप्पा क्यों रखा, तो अप्पू ने बताया कि उसका एक पड़ोसी है जिसका नाम अड़ियप्पा है, और उसके साथ अप्पू का झगड़ा है, दोनों की बनती नहीं है, लिहाजा अप्पू नया कुत्ता लेके आया तो उसका नाम उसने अड़ियप्पा रख दिया। पर्पज सिर्फ ये था कि वो अपने पड़ोसी को चिढ़ाए जब भी उसको बुलाए। तो जब एंडरसन ने उससे कहा भाई ये तो बात ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए तुमको, तो उसने एंडरसन को बताया कि उसका पड़ोसी कौन सा कम है। कहे वो कपड़े धोने का काम करता है, वो गंदे कपड़े ले जाता है नदी में, वहाँ से धो के उन्हें लेके आता है, तो जिस गधे पर वो अपने गंदे कपड़े धोता है उसका नाम उसने अप्पू रखा हुआ है। तो बात बराबर हो गई। तो एंडरसन को बड़ी बड़ी हंसी आई इस बात पे कि पहले तो उन्होंने ये सोचा कि अप्पू ने ही ये काम कर रखा है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे एक कदम और आगे निकला, लिहाजा दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे इस काम में। अब ये जो कुत्ता था अड़ियप्पा, ये आगे आगे चल रहा था और एंडरसन और अप्पू उसके पीछे पीछे।
तो आगे चले तो उन्हें एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। तो उसको डिस्टर्ब करने का या उसे छेड़ने का इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि पप्पू का जो कुत्ता था वो आज कुछ अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहा था, या जो चेज करने लगा उनको, चेज करने लगा तो हिरन तो बहुत तेज दौड़ते जंगल में। कुछ देर तक अड़ियप्पा उनके पीछे रहा, फिर वो जंगल में उससे बहुत दूर निकल गए। तो वो घूम फिर के उनके पास आ गया। तो एंडरसन कह रहा है कि बड़े बड़ी अजीब निगाह से हमारी तरफ देख रहा था, सोच रहा होगा कि एक अच्छे खासे मेरे भोजन का एक बंदोबस्त हो जाता, इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। तो हमें वो बड़े विश्वासघात की नज़र से देख रहा था। बहरहाल उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। चलते चलते वो लेक से काफ़ी दूर पहुंच गए, करीब 10-15 मील की दूरी पर। फिर एंडरसन ने अपना कंपास लिया और उससे दोबारा दिशा का जायजा लिया, और फिर घूम के वो वापस लौटने लगे जब उन्हें लगा कि बहुत दूर आ गए हैं। तो जब वो वापस आ रहे थे तो जिस इलाके से आ रहे थे वो थोड़ा पहाड़ी का सा इलाका था। अब दिन का टाइम था, दोपहर हुई थी, बहुत धूप लगी हुई थी। दिन के करीब 3 बजे हुए थे, दोनों जने पसीने से तरबतर थे और बहुत प्यासे थे। तो ऐसे में उन्हें पानी की तलाश थी, और जब पानी की बूंदें निकल रही हों या पानी निकल रहा हो एक सोते से, नेचुरल सोते से और क्रिस्टल क्लियर पानी, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। साफ सुथरा ही नहीं था बल्कि बहुत ठंडा पानी था नेचुरल। तो इसी चीज़ की तलाश उनको थी, लिहाजा वो पानी पीने के लिए उस तरफ बढ़े। तो उन्होंने देखा जमीन में टाइगर के पैरों के निशान बने हुए, और टाइगर के पैरों के निशान उस टाइगर के हैं जिसे वो खोज रहे हैं, जो लंगड़ा टाइगर है जिसका एक पैर नहीं है या जिस जो एक पैर को यूज नहीं कर पाता है, और वहां जमीन पर उसके बहुत सारे निशान बने हुए। तो एंडरसन को ये लगा कि ये टाइगर के कोई एक दिन के नहीं, बल्कि टाइगर यहाँ रेगुलर आता है, शायद रोज आता है पानी पीने के लिए, या हो सकता है इसके आसपास भी रहता हो। तो बहरहाल पैरों के निशान उन्होंने देख लिए। एंडरसन ने अपनी राइफल एक तरफ रखी और वो लेट के मुंह से उस छोटे से तालाब से पानी पीने लगे, क्योंकि और कोई बर्तन तो था नहीं पानी पीने के लिए। और उन्हें पानी पीने में बड़ा आनंद आ रहा था, ठंडा पानी था, और साथ में वो ये सोच रहे थे कि भाई मैं जब पानी पी लूंगा पप्पू उसके बाद पिएगा। वो कहते हैं कि मैं जो साहब लोगों का माइंड सेट होता है ना, अंग्रेजों का जो होता था या सरकारी साहबों का जो होता है कि पहले साहब लोग गाड़ी में बैठेंगे फिर जाके और लोग बैठेंगे, तो इसी माइंड सेट से मैं चल रहा था, कहते हैं कि। तो पप्पू खड़ा था, तो मैं पानी एंजॉय कर ही रहा था तो अपनी दाहिनी तरफ से मुझे टाइगर की एक शटरिंग रोर सुनाई थी, बड़ी जबरदस्त। एंडरसन कहते हैं कि यह अच्छा हुआ कि अप्पू खड़े होकर वेट कर रहा था, नहीं तो शायद टाइगर को हम रोक नहीं पाते। बहरहाल जैसी टाइगर की रोर आई, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक तो एंडरसन की समझ में नहीं आया, लेकिन जैसी उनकी समझ आया तो वो अपने दाहिने हाथ से अपनी राइफल को टटोलने लगे जो उन्होंने जमीन में रख दी थी पानी पीने के लिए। और उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो एक टाइगर उनकी तरफ आ रहा था, घुर्रा रहा था बुरी तरह से उनकी तरफ, यानी कि उसने अटैक कर दिया था अपना। और उनसे करीब 15-20 फीट की दूरी पर था, और टाइगर को देख के अप्पू जो है अपनी हाथ की कुल्हाड़ी को यूं यूं घुमा रहा था, और उसका जो कुत्ता था वो आगे से, जो अभी तक पता भी नहीं चल रहा था जिंदा है या मुर्दा है, वो बिल्कुल भौंके जा रहा था टाइगर को। तो एंडरसन कहते हैं कि ये सब हो रहा था, मैंने टाइगर को देखा, तब तक मैं राइफल मेरे हाथ लग गई थी
और जैसे ही वो हाथ में लगी, मैं अपने घुटनों के बल आके अपना निशाना मैंने उसकी तरफ साध लिया था। तो कह रहे हैं कि टाइगर को एक साइड दिखाई दी होगी कि अभी तक उसे ये आदत थी कि जिस पर वो अटैक करता था उससे कोई रेसिस्टेंस उसे नहीं मिलता था, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता था इंसान या उसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन इस दफ़ा उसे कुछ अलग सीन दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया कि एक कुत्ता जिसकी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करता वो उसकी तरफ भौंके जा रहा है, और एक इंसान खड़े होकर अपनी कोई चीज़ घुमा रहा है दाएं बाएं, और कहे सबसे असहाय आदमी जो है वो नीचे ज़मीन में लेटा हुआ है, शायद वो डर से लेटा हुआ है। तो कहे ये सब शायद देख के वो कुछ सेकंड के लिए रुका, उसने अटैक लॉन्च किया हमारी तरफ आ रहा था तो वो कुछ देर रास्ते में रुक गए। तो एंडरसन कहते हैं कि यह जो रुकना था उसकी अंतिम मिस्टेक थी। इस बीच वो व्यक्ति जो ज़मीन में लेटा हुआ था वो अपने घुटनों पर आ गया था, यानी कि वो मैं था, और मैंने अपनी राइफल उसकी तरफ पॉइंट कर ली थी और फायर कर दिया था। शायद उसे पता भी नहीं चला होगा कब गोली आई और टाइगर मर गया। कहे जब मैंने उसका मुआयना किया तो तब मैंने पाया कि इस टाइगर के मैनिटर बनने में कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दो टाइगर्स की फाइट हुई मेटिंग सीजन में एक फीमेल के लिए, और जैसा कि आमतौर पे होता है, और ये जब फाइट होती है दो जानलेवा होती है, तो टाइगर ने इसकी इस फाइट में इसकी एक आंख चली गई थी, एक कान चला गया था, और दूसरे टाइगर ने इसका पूरा एक अगला पंजा भी चबा डाला था। और जाहिर था इस वजह से ये टाइगर कई दिन तक भूखा भी रहा और इसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं रही कि वो जानवर को मार सके, और यही वजह रही कि एक बदे हुए बेट को मारने तक की इसमें हिम्मत नहीं आ रही थी, ये इतना कमज़ोर हो गया था। दोस्तों मैंने इस स्टोरी को डिटेल में देने की कोशिश की है, जितना डिटेल हो सकता था, जितनी घटनाएं छोटी 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 मुझे याद आ रही वो सारी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।